हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? होप तो सब बढ़िया चल रहा होगा। गाइस, आज मैं अपने डिटर्मिनेंट्स के फिफ्थ वीडियो में आ चुका हूँ और आरडी के हिसाब से आज मैं अपना नेक्स्ट फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये अपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है और इसके बाद फिर अपने पास एक बहुत ही सिंपल टॉपिक सॉल्यूशन बचेगा, जो बहुत ही सिंपल है। एडजॉइंट एंड इनवर्स को मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। आज जो पार्ट है इसमें अपन पूरे बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स के एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी आज आपको बहुत ही आराम से समझना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की प्री रिक्वेस्ट है इसके पहले के वीडियोस, क्योंकि आज मैं कोफैक्टर्स वगैरह का यूज करूंगा एडजॉइंट निकालने के। तो बाय चांस अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पूरे, तो मैं आपको बोलूंगा आप इस कार्ड पे क्लिक करके पहले वो वीडियोस पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इन वीडियोस को यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इस टॉपिक में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एडजॉइंट के साथ, फिर मैं करूंगा इनवर्स के साथ। तो पहले मैं आता हूँ एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है गाइस? एडजॉइंट, अगर कोई आपको बोले एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट को सबसे पहले मैं डिनोट करता विद द सिंबल एडीजे। एडीजे स्टैंड्स फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो भी मैट्रिक्स रहेगा आप उस मैट्रिक्स के सबके कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। आपको याद हो कि अपन ने कोफैक्टर्स निकाले थे लास्ट क्लास में भी, तो मैं उसके बाद सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद, जैसे ही आपने सभी के कोफैक्टर्स निकाल लिए सारे एलिमेंट्स के, फिर आपको क्या करना होगा, उन कोफैक्टर्स का निकालना होगा ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज अगर आपको याद हो, ट्रांसपोज आपने पहले वीडियोस में देखा होगा मैट्रिक्स के, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर रो को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ कॉलम में, सारी रोज को इंटरचेंज कर दूंगा सारे कॉलम्स में, तो दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसपोज। तो अगर यहाँ देखो तो ये हो जाएगा C11, C12, C13, ऐसे ये हो जाएगा C21, C22, C23, एंड ये हो जाएगा C31, C32 एंड C33। तो गाइस ये हो गया जो मेरे पास आया, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और एक बार आपका एडजॉइंट आ जाता, फिर इनवर्स बहुत ही सिंपल है। तो मैं इनवर्स भी आपको बता देता हूं। इनवर्स के लिए मैं A-1 सिंबल से इसको डिनोट करूंगा इनवर्स। और इनवर्स बहुत ही सिंपल है कि जैसे आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है, आप उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड कर दीजिए और जो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड योर इनवर्स। तो आप देखो आज का अगर मैं टॉपिक देखूँ तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। तो बहुत आप स्पीड में मेरे साथ करते चलना, अपन स्टार्ट करते क्वेश्चन वन के साथ, ताकि अपन धीरे धीरे फिर सारे टॉपिक्स को आराम से समझें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडजॉइंट एंड हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट। ओके ओके गाइस, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले मैं निकालूंगा C11। तो C11 अगर आपको याद हो, तो C11 में कैसे निकालता था, C11 के लिए मेरे को फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में भूल जाऊंगा, तो मेरे पास जो बचेगा 1-3, 2, 3, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 1 3 माइनस, ये हो जाएगा -6, तो ये हो गया +6 विच इज इक्वल टू 9। अब आपको अगर याद हो तो ये जो मैंने निकाला दिस इज कॉल्ड माइनर, लेकिन मेरे को कोफैक्टर के लिए साइन भी लगाना पड़ेगा, तो 1 + 1, 1 + 1 2 विच इज इवन, इसलिए मेरा जो माइनर है वही मेरा कोफैक्टर है। सेम कहानी गाइस, मैं निकालूंगा C12। तो C12 निकालूंगा, C12 के लिए मेरे को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम को भूलना होगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो है 2 -3 -1 3, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 3 2 6 माइनस ऑफ माइनस माइनस +3, तो ये हो जाएगा 3 1 3 विच इज इक्वल टू 3। और गाइस अब मैं साइन को देखूंगा तो 1 + 2 दिस इज 3, 3 इज ऑड, इसलिए मेरे आंसर में आ जाएगा -3। और सेम कहानी गाइस, मैं निकालूंगा C13। तो C13 अगर निकालूंगा तो C13 मेरे पास आएगा, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को भूल जाऊंगा, तो मेरे पास बचेगा 2 1 -1 2, इसको सोल्व करूंगा तो 2 2 4 माइनस 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 +1 विच इज इक्वल टू 5। अब साइन देख लेता हूँ तो 1 + 3 इज इवन, तो वही जो है वही मेरा आंसर। तो मुझे करना क्या, इस प्रकार से जैसे मैंने C11 C12 C13 निकाला, मेरे को निकालना होगा C21 2 2 1 2 3, ऐसे ही C31 C32 एंड C33। तो ये सब मैं निकालता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे निकालते जा रहा हूँ उसको अपने इस ब्रैकेट में यहाँ लिखते जाऊंगा इसमें, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9, दिस कम्स आउट टू बी -3, और ये आ रहा मेरे पास 5। ओके गाइस, तो मैंने अब तैयारी करके रख ली, सबसे पहले मैं निकालूंगा C21। तो C21 के लिए ये वाली रो और ये वाले कॉलम को भूल जाऊंगा, तो 1 1 2 3। C22 के लिए ये वाली रो और ये वाले कॉलम को भूल जाऊंगा, तो मेरे पास बचेगा 1 1 -1 3,
और सी टू थ्री के लिए ये वाली रो ये वाले कॉलम को भूल जाऊंगा तो वन वन माइनस वन टू। अब मुझे सिंपली इसको सॉल्व करना है तो थ्री माइनस टू दिस कम्स आउट टू बी थ्री माइनस ऑफ माइनस वन तो ये हो गया प्लस वन, दिस कम्स आउट टू बी टू माइनस ऑफ प्लस वन तो ये आ जाएगा थ्री माइनस टू वन, थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस वन थ्री। अब मैं साइन पे काम करूंगा तो टू प्लस वन इज ऑड दैट इज वेयर दिस इवन, टू प्लस थ्री फाइव ऑड, तो ये मेरे पास आ गई नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज तो माइनस वन फोर माइनस थ्री। ओके गाइस तो अब मेरा नेक्स्ट सेट है सी थ्री वन, तो सी थ्री वन के लिए ये रो और ये कॉलम को भूल जाऊंगा तो वन 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 माइनस थ्री, देन सी थ्री टू तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम को भूल जाऊंगा तो वन 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 एंड टू और माइनस थ्री, और सी थ्री थ्री के लिए मेरा क्या रहेगा ये रो ये कॉलम भूल जाऊंगा तो वन वन टू वन। नाउ सिंपली सॉल्व इट तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू वन माइनस टू तो ये आ रहा है माइनस फोर माइनस फाइव माइनस वन। अब साइन देख लेता थ्री प्लस वन इज इवन तो इवन है तो वही आंसर, थ्री प्लस टू इज ऑड ऑड है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस, थ्री थ्री इज इवन तो वही मेरा आंसर तो ये हो गया माइनस फोर फाइव माइनस वन। ओके गाइस तो एक बार आपने जब सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला है, ध्यान रखना गाइस कोफैक्टर आप फॉरगेट मत करने कि कुछ बच्चे लोग इसमें माइनर निकाल के खुश हो जाते हैं, आपको साइन का याद रखना है बहुत आराम से। तो एक बार आपका कोफैक्टर सारे निकल जाए फिर आपको करना है उसका ट्रांसपोज। अगर आपको याद हो ट्रांसपोज में कैसे करता था, ट्रांसपोज के लिए मैं उसी एलिमेंट को उसके सारी रो को इंटरचेंज कर देता था कॉलम्स में, सेम कहानी यहाँ पे माइनस वन फोर माइनस थ्री एंड ये हो जाएगा माइनस फोर फाइव माइनस वन। तो दिस इज योर एडजॉइंट, तो फाइनल जो मेरे पास ये आया है दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, तो सो सिंपल। अब आपको मैंने बताया था कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट निकालने के बाद सिंपली उसमें मॉड लगा देना है, तो मेरे को निकालना है मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए आप जानते हैं डिटर्मिनेंट है और इसको सॉल्व करना आपको बनता है, तो मैं एक्सपैंड कर लेना अलॉन्ग फर्स्ट रो तो वन, और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा एक डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है वन माइनस थ्री टू थ्री, फिर आपको पता है साइन कन्वेंशन तो माइनस वन, और फिर ये रो ये कॉलम भूल जाऊंगा तो टू माइनस थ्री माइनस वन थ्री, देन योर लास्ट वन और यहाँ पे आ जाएगा टू वन माइनस वन टू। अब सिंपली इसको मेरे को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा थ्री माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस सिक्स, दिस कम्स आउट टू बी सिक्स माइनस थ्री, दिस कम्स आउट टू बी फोर माइनस ऑफ माइनस प्लस वन तो दिस कम्स आउट टू बी नाइन माइनस थ्री प्लस फाइव तो ये हो जाएगा मेरे पास सिक्स प्लस फाइव विच इज इक्वल टू इलेवन। तो गाइस अगर अब आपको कोई बोले फाइनल इनवर्स कितना आएगा तो इनवर्स का मेरा फाइनल आंसर आएगा गाइस, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। तो अब अगर मैं एडजॉइंट की बात करूं तो ये रहा मेरा पूरा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट मैं लिख देता हूँ नाइन माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री फोर फाइव, फाइव माइनस थ्री माइनस वन, और सिर्फ मुझे अपॉन में लिखना होगा वन अपॉन इलेवन, तो दिस इज माई फाइनल इनवर्स। तो आपने देखा अपन ने दोनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में कर लिए, हाउ टू फाइंड द इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको क्वेश्चन ये 6 मार्क्स में आने की चांस है क्योंकि आपने देखा इसमें सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने, एक बार कोफैक्टर्स निकालने फिर आपको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने के बाद फिर आपको अगर इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा और फिर फाइनल वैल्यू आपकी ये आएगी। तो भाई ये एक लॉन्ग बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है तो चांसेस है आपके कि 6 मार्क्स में यहाँ से बन सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट्स फॉर योर एनी डाउट्स। ओके ओके गाइस तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो अगर आप जानते हो मेरे को निकालना है इफ ए इज दिस देन आई हैव टू शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। आपको बताऊं अगर ए इनवर्स आपको निकालना तो आपको निकालना रहता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो मैं आपको कहूँ सबसे पहले आप निकाला करो मॉड ए, क्योंकि मॉड ए से आपको ये बेनिफिट मिला है कि एक बार अगर आपके पास मॉड ए की वैल्यू 0 आ जाती है विच इम्प्लाइज कि आप एक मैट्रिक्स को डिवाइड करोगे 0 से विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, तो इसलिए आपको मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि ऐसे टाइप का मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ इनवर्टेबल मैट्रिक्स। तो इसको मैं समझता हूँ, तो सबसे पहले आप समझ लिखिए मॉड ए, सबसे पहले आपको निकालना होगा मॉड ए की वैल्यू। तो मॉड ए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मॉड ए आएगा टू थ्री फाइव माइनस टू, और टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है तो आ जाएगा माइनस फोर माइनस फिफ्टीन विच इज इक्वल टू माइनस नाइनटीन विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज गाइस कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का मैट्रिक्स इस क्वेश्चन का इनवर्स निकाल सकता हूँ। तो जिन क्वेश्चंस का भी मॉड अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आई
आई कैन शो, आई कैन टेल दैट दीज आर कॉल्ड योर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. ओके, नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच टर्म्स. तो कोफैक्टर ऑफ सी वन वन, देन कम सी वन टू, देन कम सी वन थ्री, देन कम सी वन फोर. तो आप जानते हो सी वन वन और आपका उस रो उस कॉलम को हटा दूं तो माइनस टू, सी वन टू उस सी वन टू उस रो और उस कॉलम को हटा दूं तो फाइव, सी वन थ्री तो ये रो और ये कॉलम को हटा दूं, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा सी टू वन और यहाँ पे क्या आएगा सी टू टू. ओके, तो सी टू वन ये रो और ये कॉलम को हटा दूं तो बचेगा थ्री, और यहाँ पे सी टू टू तो ये रो और ये कॉलम को हटा दूं तो बचेगा टू. नाउ आई हैव टू ऑल्सो पुट द साइन. ध्यान रखना अपन को फैक्टर्स निकाल रहे हैं, माइनस नहीं. तो को इसके लिए मेरे को वन प्लस वन इवन तो कोई चेंज नहीं, वन प्लस टू ऑड इसलिए हो जाएगा माइनस फाइव, टू प्लस वन ऑड इसलिए माइनस थ्री इवन. ओके, तो मेरा फाइनल अगर मैं देखूं तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा माइनस टू, माइनस फाइव, माइनस थ्री और टू. और अब मुझे इस मैट्रिक्स का निकालना आएगा ट्रांसपोज. तो मेरा फाइनल आंसर है माइनस टू माइनस फाइव. इस रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, ऐसे इसको इंटरचेंज कर दिया माइनस थ्री टू. तो दिस इज माई फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए. लेकिन मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स. तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए एंड अपॉन मॉड ए. मॉड ए मेरे पास अगर आप देखो तो वो आ रहा है माइनस नाइनटीन. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे अगर मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन लेता हूं हर टर्म से, तो यहां से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास बचेगा टू थ्री फाइव एंड माइनस टू, और यहाँ पे है माइनस नाइनटीन. माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया वन अपॉन नाइनटीन एंड दिस. और अगर आप ध्यान से देखो तो वन अपॉन नाइनटीन और ये जो लिखा हुआ है टू थ्री फाइव माइनस टू, ये मेरा ए के बराबर था. तो वन अपॉन नाइनटीन ए. तो मैंने ए इनवर्स को प्रूव किया, ए इनवर्स को प्रूव किया वन अपॉन नाइनटीन ए, हेंस प्रूव. तो सो सिंपल क्वेश्चन, आपने देखा कि बस बहुत ही सिंपल है, आपको एडजॉइंट निकालना है. एक बार एडजॉइंट आ जाए फिर आप उसका निकाल लोगे इनवर्स. ओके ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस एंड देन आई हैव टू वेरीफाई दैट इनवर्स इनटू ए इट कम्स आउट टू बी आई क्यूब. तो बहुत सिंपल है, आई क्यूब सॉरी आई थ्री, आई थ्री मीन्स इसका क्या मतलब है गाइस, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री. ओके कूल, तो अब देखिए गाइस मैं निकालूंगा इनवर्स. इनवर्स निकालने की सबसे पहले आप निकाल लिया करो मॉड ए, क्योंकि इनवर्स इज वैलिड फॉर ओनली दोस मैट्रिक्स विच आर इन्वर्टेबल. इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे मैट्रिक्स जिसका मॉड अगर जीरो के बराबर नहीं आता है तो आई विल कॉल देम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. ओके, तो मॉड ऑफ ए मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं एक्सपैंड कर दे रहा हूँ अलॉन्ग फर्स्ट ही रो कर देता हूँ. तो वन ऑफ फोर थ्री थ्री फोर माइनस थ्री ऑफ वन थ्री वन फोर, देन प्लस थ्री ऑफ वन फोर वन थ्री. और सिंपली गाइस आपको इसको सॉल्व करना, तो इट कम्स आउट टू फोर फोर जो 16 माइनस नाइन, माइनस थ्री ऑफ फोर माइनस थ्री, प्लस थ्री ऑफ थ्री माइनस फोर. 16 माइनस नाइन इज सेवन, देन दिस कम्स आउट टू माइनस थ्री, देन दिस कम्स आउट टू बी माइनस थ्री. तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया वन. ओके, तो सिंस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मैं बोलूंगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ. तो सबसे पहले आप निकालोगे एडजॉइंट. एडजॉइंट निकले आपको पता है कि मेरे को सारे कॉलम्स का निकालने के को फैक्टर्स, तो ये वाला पार्ट मैं आपको खुद बोलूंगा आप करो, और आप को फैक्टर्स मेरे से मैच करो, और एक बार आपके को फैक्टर्स आ जाए फिर मुझे उसका निकालना रहेगा ट्रांसपोज. तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई ऑल द को फैक्टर्स, और आपको कहीं पर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके ओके गाइस, तो होप सो आपने कोफैक्टर्स के सारे के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे विद देयर साइंस वगैरह. और अब मैं इसका निकालूंगा ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज के लिए पहली रो को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम में, सेम कहानी दूसरी रो को कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम में, और फिर तीसरी रो को कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम में. तो दिस इज माई फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए. अब ए इनवर्स के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ए इनवर्स के लिए सिंपली मुझे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, अपॉन मॉड ए. तो एडजॉइंट मॉड ए मैं लिख दे रहा हूँ, मॉड ए की वैल्यू आप जानते हैं वो थी वन. तो इसका मतलब जो मेरे पास है यही मेरे पास था आपके पास उसका भी आंसर. तो दिस इज माय ए इनवर्स. अब मुझे करना क्या है, मुझे ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करना है ए का. ओके ओके गाइस, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप है आई हैव टू मल्टीप्लाई ए इनवर्स विथ ए. तो ए इनवर्स अगर आपको याद हो तो ए इनवर्स मेरा ये है सेवन माइनस थ्री माइनस थ्री, माइनस वन वन जीरो एंड माइनस वन जीरो वन. और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है अपने ए के साथ, तो वन थ्री थ्री, वन फोर थ्री, वन थ्री फोर.
ओके तो गाइस अगर आपको याद हो तो ये बहुत ही सिंपल है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन। आपको याद है 3x3 और ये भी 3x3 है, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो भी एक 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं इसको बिग ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। और अब मैं पहले एलिमेंट पे फोकस करता हूँ। तो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 7 1 7 -3 -3, देन माई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7 3 21 -12 -9, देन फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 7 3 21 -9 -12। सेम कहानी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो आएगा -1 × 1 -1 + 1 + 0, देन -3 + 4 + 0। सेम कहानी गाइस यहाँ पे करूँगा तो आएगा -3 + 3 + 0। यहाँ पे करूंगा गाइस तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 1 -1 + 0 + 1 -3 + 0 + 3 -3 + 0 + 4। फाइनली मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके गाइस और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 7 - 6 विच इज 1, -12 - 9 21 -21 0, दिस ऑल्सो 0। यहाँ पे आपके पास गाइस आएगा 0, ये आएगा आपके पास +1, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 1। और अगर आप देखो तो यही आपका क्या लिखा हुआ है, I3, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो गाइस इसी प्रकार से मैंने इसको किया है प्रूफ। तो आप देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव है तो फिर आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके तो होप सो गाइस आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा गाइस आप मेरे को सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी आपकी स्क्रीन के सामने होगी अभी। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहो तो आप मेरे को कुछ भी कमेंट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी डाउट्स विच यू फील। आप इसके अलावा जो भी अपकमिंग टॉपिक्स चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा गाइस आपको जो आरडी से होमवर्क करना है, मैं आपको बता दूं जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको आरडी से होमवर्क देता हूं और आप मेरे थ्रू पूरी आरडी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स भी आपको सॉल्वड मिलेंगे। ओके तो आपका होमवर्क गाइस जो है वो एक्सरसाइज 7.1, चैप्टर का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और गाइस इस चैप्टर से आपको करना है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15। ओके गाइस तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है मेरा बेसिक्स था ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी के एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप तब तक के लिए पूरा होमवर्क करके रखो सो दैट इन द सब्सिक्वेंट वीडियो आपको ये सारी चीज अच्छे समझना और आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बहुत क्लियरली कर पाओ। तो होप सो गाइस आपको सब कुछ पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस प्लीज वर्क हार्ड एंड डोंट स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम्स। Continue working hard so as to achieve best results in your class 12th exams. See you soon. Goodbye.